हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। हमारा जो नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम अपनी सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है HRM। HRM क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कंपनीज में भी एक अलग HR डिपार्टमेंट होता है और ये यूनिक किस लिए है, क्योंकि इसमें हम किसकी बात करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स की, जो कि सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ बात नहीं होगी मार्केटिंग की या ऑपरेशन की या स्ट्रेटेजी की, यहाँ हम सीखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए। चलिए पूरी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना नया मॉड्यूल, अपना नया सब्जेक्ट HRM। सबसे पहले, जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें जानना होता है कि वो होता क्या है, तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम HRM की इंट्रोडक्शन को जानेंगे, HRM क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, विषयों के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को इस सब्जेक्ट के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो के तौर पर आप देखिए। सबसे पहले तो HRM क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है एक्वायर, डेवलप, मोटिवेट और मेंटेन करना किसका? पूल ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज। देखिए, हर कंपनी के पास चाहे कितने ही रिसोर्सेज हों, उसके पास करोड़ों पैसा हो, उसके पास फैक्ट्री हो, उसके पास नई नई तकनीक हो, मशीन हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है ना, तो कभी ना कभी जाके वो रुक जाएगी प्रगति के तौर पे, वो उतना डेवलप नहीं कर पाएगी। वर्सेस एक दूसरी कंपनी है जिसमें बड़े ही एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन रिसोर्स है, उससे बेहतरीन तो कोई रिसोर्स हो ही नहीं सकता। तो इस सब्जेक्ट में हम बात करेंगे कि एक पूल ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को कैसे मेंटेन किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, डेवलप किया जाता है और सब कुछ। आप HRM को एक लाइन में, समरी में समझ लीजिए, और जब पूरे इस सब्जेक्ट में हमारे पास, हम बनाएंगे 500 वीडियोस आएंगी, बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, हमेशा एक की लाइन को याद रखिए। HRM का काम क्या है? एंश्योर करना राइट पीपल विद राइट स्किल फॉर राइट जॉब पोजीशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन के हिसाब से सही स्किल के और सही लोग आए, जो रिक्वायरमेंट है उस जॉब की। अब देखिए, किसी जॉब में रिक्वायर होगा कि कोई पर्सन है वो फिजिकल स्ट्रांग हो। मान लीजिए कोई गार्ड की जॉब है, अब वहाँ पर आप थोड़ी ना सोचेंगे बंदा जो मैथ्स कर सकता उसको लेके आना। दूसरा, एक फाइनेंस में जॉब है, वहाँ पे आपको पर्सन चाहिएगा जिसकी न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छी हों। मार्केटिंग में बंदा चाहिए होगा जिसकी क्रिएटिव स्किल अच्छी हों। तो HRM बेसिकली यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रोल में राइट पीपल को लेके आओ आप, और राइट स्किल के साथ। इनको आप जब इंश्योर कर दो ना, राइट पीपल, राइट स्किल और राइट जॉब पोजिशन, तो आपका HRM का लूप कम्प्लीट हो जाता है। ये है हमारा HRM होता क्या है। अब हम बात करेंगे HRM के की फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए, जो हमने वहाँ पे बात की थी ना कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को लेके आना है, मेंटेन करना है, HRM के फंक्शंस भी कहीं ना कहीं उसी से निकलते हैं। सबसे पहले तो रिक्रूट करना। आप लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे तो आपके पास एफिशिएंट एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे? तो रिक्रूटिंग पीपल। अब आपने किसी को रिक्रूट कर लिया, फिर आप उसको ट्रेन करेंगे, तो उनको ट्रेन करना। अप्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस, कोई भी आपके पास काम कर रहा है, आपको उसके अच्छे काम के लिए उसे बेनिफिट देना होगा, इंक्रीमेंट देना होगा, प्रमोशन देना होगा, वो सब कुछ हम सीखते हैं अप्रेजल्स के टाइम पे। फिर मोटिवेट, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि उनके जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे, वो कंपनी के लिए अच्छे से काम करते रहें, ये भी HR डिपार्टमेंट का ही काम होता है। एंश्योरिंग देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, तो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ प्रॉपर रहे और सेफ्टी, मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी में इस तरीके की चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को ख़राब करें। अब ये चीज़ ना, हम कॉर्पोरेट ऑफिस में आप बैठे हैं तो समझना मुश्किल होगा, आप प्लांट्स में देखिए, आप डेपोज में देखिए, जहाँ पे इस तरीके की प्रोडक्शन हो रही है, तो आप ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते जो एम्प्लॉय की हेल्थ को इफेक्ट करे। आपको उनकी हेल्थ और सेफ्टी को भी देखना है। और लास्ट में वर्क प्लेस की कम्युनिकेशन को मैनेज करना, मतलब सारी जो पॉलिसीज हैं कंपनी में, जो मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है, कंपनी क्या सोच रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सारा कम्युनिकेशन भी टाइम टू टाइम जाना चाहिए, और ये टू वेज रहना चाहिए। कंपनीज की पॉलिसीज कम्युनिकेट हों लोगों तक, और लोगों के ग्रीवियंस, लोगों के सजेशन जाएं मैनेजमेंट तक। तो ये सारे ना की फंक्शंस हैं, और इनको हम HRM के अपने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लोगों को रिक्रूट करना, ट्रेन करना, अप्रेजल करना, मोटिवेट करना, हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना, और वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन को इंश्योर करना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए, HRM के ऑब्जेक्टिव्स को हम चार वेज में बोल सकते हैं, चार मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव,
कोई भी कंपनी होती है वो कभी भी अपने आप में अलग काम नहीं करती, किसी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। और जब सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो मतलब ओवरऑल सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट कैसे हो, अब वो कैसे होगी अगर आप ठीक पॉलिसीज कर रहे हैं। आप रिक्रूटमेंट के टाइम पे हर जेंडर के, हर रेस के आदमी को जो है कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, आप ठीक वेजेस दे रहे हैं, सारे लॉज का पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा करते हैं। दूसरा फिर आपको देखना होता है ऑर्गेनाइजेशनों के ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जो एचआर है ना उसे इन दोनों के बीच में लिंक माना जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट होती है, मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं तो एचआरएम का काम है इन दोनों को कैसे हम कनेक्ट करें, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट करना। तो वो करने में एचआर जो फुलफिल करता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड होता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब अब एचआर फंक्शन के भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव होंगे ना, जैसे पेरोल देखना, लोगों की इंक्रीमेंट्स देखना, पॉलिसीज बनाना। तो जब एचआर अटेंडेंस वगैरह सब कुछ करना, एडमिन रिलेटेड पार्ट हो गया, तो ये जब एचआरएम में समझा जाता है तो वो होता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट में होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी पर्सन जब किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ वो हमेशा ये चाहता है कि वो भी पर्सनल लेवल पे ग्रो करे, उसकी लर्निंग्स इंप्रूव हो, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, उसका एक करियर पाथ, करियर ग्रोथ, ये सब कुछ हो, ये आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो एचआरएम जब इन चारों को फुलफिल करता है तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। अब जो हमारा एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके स्कोप में क्या क्या आता है और जो ये हम सब बातें कर रहे हैं ना, इनके ऊपर हमारा डिटेल में यूनिट्स आएंगी, हम एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम आउटलाइन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब प्लान करना हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड जॉब डिज़ाइन। अब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रोल्स होते हैं, उसमें क्या उसका जॉब डिज़ाइन रहेगा, मतलब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, स्पेसिफिकेशन क्या होगी, एक यूनिट में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अब आपने पहले प्लानिंग कर ली, फिर जॉब डिज़ाइन बना लिया, अब उसके बेसिस पे आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे ना, उसको हम पढ़ेंगे स्टाफिंग एंड सेलेक्शन में। अब आपने स्टाफिंग एंड सेलेक्शन में एम्प्लॉयमेंट्स को रिक्रूट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करना, उनको ट्रेन करना, उनको चीज़ें सिखाना, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना। अब आप एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, साथ साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट पे भी काम करना होता है। अब ये सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं हमें कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स भी एचआर को देखना पड़ता है, मतलब आदमी को जो वो काम कर रहा है उसकी काबिलियत के हिसाब से सैलरी मिले। ऐसा ना हो कि कोई आदमी तो जो है बहुत घंटे बहुत क्रिटिकल काम कर रहा है, उसकी सैलरी तो कम है ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हुए भी, किसी का कम की रोल पे और ज़्यादा काम ना करने पे भी, कोई क्रिटिकल काम भी नहीं फिर भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सारा जो है ना एक एट पैरिटी बनी रहे, वो हम पढ़ेंगे कंपनसेशन एंड बेनिफिट में। फिर एक एचआर का और इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है एम्प्लॉय असिस्टेंट्स में। एम्प्लॉय को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी लीव, कोई भी उसको उसके ग्रीवियंस हो, तो किसके पास आएगा सबसे पहले, वो आएगा एचआर डिपार्टमेंट के पास, वो होता है एम्प्लॉय असिस्टेंट्स। फिर यूनियन लेबर रिलेशंस, खासकर जो हमारे फैक्ट्री सेटअप्स होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं लेबर होती हैं, उनकी लेबर यूनियंस होती हैं, उनके रिलेशन मेंटेन करना भी एचआरएम का ही पार्ट है। और लास्ट में पर्सनल रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आज के टाइम में जो आईटी इवॉल्व होती जा रही है उसको कैसे हम एचआर से इंटीग्रेट करें, इसको बोलते हैं एचआरआईएस, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एचआर के स्कोप पे आती हैं, मैन पावर को प्लान करना, जॉब डिज़ाइन करना, फिर उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट सेलेक्शन करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देखना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कंपनसेशन बेनिफिट, एम्प्लॉय असिस्टेंस, यूनियन रिलेशंस और लास्ट में इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब एचआर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखिए एचआर डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम फंक्शंस के बेसिस पे समझ रहे हैं कि अलग अलग क्या वर्टिकल्स हो सकते हैं। वैसे तो स्ट्रक्चर किसी भी उस तरीके से होगा कि नीचे कुछ एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, वीपी, वो तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि किस किस काम के हिसाब से वर्टिकल में डिवाइड किया जाता है। तो एक होता है पर्सनल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। पर्सनल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मतलब हर पर्सन रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जैसे कि उसकी अटेंडेंस, उसकी लीव्स, इस तरीके को मैनेज करना, वो वाला वर्टिकल। दूसरा स्टाफिंग मैनेजमेंट, ये वाला जो वर्टिकल है ये देखता है आपका रिक्रूटमेंट को, एम्प्लॉई को रिक्रूट करना। और साथ साथ देखिए हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो कुछ एम्प्लॉइज कंपनी को छोड़ भी रहे होते हैं ना, तो उसको मैनेज करना, मतलब क्या कि दोनों चीज़ें, ऑनबोर्डिंग भी अच्छे से हो और किसी का सेपरेशन हो रहा है फिर उसकी सेटलमेंट देखना, फुल एंड फाइनल देखना, कहीं ना कहीं स्टाफ को मैनेज करना। तीसरे में आता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये बात करते हैं हम यहाँ पे कि कंपनी ओवरऑल और एम्प्लॉय ओवरऑल कैसे ग्रो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स को बढ़ाना। अब कोई एम्प्लॉय आपके साथ बहुत सालों से है, सिर्फ कंपनी का काम वो देख रहा है, जो बाहर की टेक्नोलॉजी बदली है वो उसको कैसे जानेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सिखाना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का काम। फिर फोर्थ आता है हमारा
एथिक्स एंड लेबर। एथिक्स एंड लेबर में हम बात करते हैं लेबर लॉ की, एथिक्स कमेटी होती है वो भी एचआर के अंडर आती है, कोई भी जो है आपका जेंडर बायस ना हो, आपकी विसल ब्रोवर पॉलिसी वाली कमेटी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं यहाँ आती है। और लास्ट में पर्सनल लेवल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी देखना होता है। तो हमने किस किस की बात करी, पर्सनल लेवल की ट्रांजेक्शन को मैनेज करना, स्टाफ मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एथिक्स एंड लेबर, ये सब कुछ हमारा एचआर का पार्ट होता है। अब बात करेंगे कि एचआर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो हमने स्कोप ऑफ एचआरएम बोला था ना, अब जो एचआरएम का स्कोप है मतलब उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वही कहीं ना कहीं उसके फंक्शंस में है। तो वहाँ पे एक था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो उससे आ जाता है मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर को प्लान करना, जॉब एनालिसिस करना, कंपनसेशन मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स बनाना, रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉय के वेलफेयर पे काम करना और एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस को देखना, ये सब कुछ जो एचआरएम का स्कोप था उससे एचआरएम के फंक्शंस डिफाइन होते हैं। अब एक एचआर में आप हैं, एचआरएम जो फंक्शन है, एचआर डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं, तो कुछ की चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हर डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ होते हैं। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है चेंज मैनेजमेंट, और वो चेंज किसी भी वजह से हो सकता है, हो सकता है लीडरशिप चेंज हो जाए। अब कोई लीडर जाता है तो कई बार होता है कि उससे रिलेटेड पर्सन भी छोड़ के चले जाते हैं, कई बार कोई नया पर्सन आता है तो वो अपने साथ टीम लाने की कोशिश करता है। तो ऐसा कुछ भी चेंज होगा तो सबसे पहले किसको मैनेज करना पड़ेगा, वो एचआर डिपार्टमेंट को। दूसरा, एम्प्लॉय एक्विजिशन एंड डिटेंशन, मतलब एम्प्लॉय को आप एक्वायर करना तो इजी है, आप बंदे को हायर सैलरी बेनिफिट्स ऑफर कीजिए वो आ जाएगा, बट जो डिटेंशन है वो कहीं ना कहीं एचआर का चैलेंज है। ऐसा तो नहीं वो सिर्फ एक साल काम करके फिर निकल रहा है, आप फिर से वही प्रोसेस पूरा रिक्रूटमेंट का दोहरा रहे हैं। तो एचआरएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैन पावर को रिटेन करे। थर्ड, एम्प्लॉई की एम्पावरमेंट, आपके यहाँ जो एम्प्लॉई है वो हर वे में डेवलप होना चाहिए, स्किल्स के वे में भी, और एम्पावर्ड फील करे, उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो, वो भी चैलेंज होता है एचआर का। फोर्थ, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मेंटेन करना। अब ऐसा ना हो कि आपके यहाँ सिर्फ मेल वर्कर्स हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के वर्कर हैं, सिर्फ फ्रेशर्स हैं या सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हैं। ये माना जाता है कि हर एज ग्रुप का, हर बैकग्राउंड का पर्सन अपने साथ कुछ ना कुछ सीख लेके आता है, तो आप एक हेल्दी मिक्स मेंटेन कीजिए। टीम में मेल फीमेल हों, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज कल्चर्स के लोग आए, कुछ फ्रेशर्स हों जो अपने साथ नए आइडियाज़ लेके आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड हों जो अपने साथ लर्निंग्स को रखते हैं, ये सब कुछ मैनेज करना भी एचआरएम के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बिजनेस एक्सपेंशन, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता है एचआर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, उसका काम बढ़ता है, तो एचआरएम के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है कि वो उसको इंपॉर्टेंट वे में मेंटेन करे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा आज का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो फिनिश होता है, जिसमें हमने जाना कि हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एचआर के ऊपर अलग से स्पेशलाइजेशन होती है, एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको ध्यान है तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं, राइट पर्सन जो है हमें राइट स्किल्स वाला ऑर्गेनाइजेशन में राइट रोल में चाहिए, ठीक है। हमने जाना स्कोप क्या होते हैं एचआरएम के, चैलेंजेस क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, सबको हमने डिटेल में समझा। आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें बताइए, हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें बताइए। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट वे में, देखिए हमारा जो एचआर का कोर्स है उसको हम बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, तो सबसे पहले हमने समझ लिया एचआर क्या है। एचआरएम का सबसे पहला काम क्या होता है, मैन पावर को लेके आना, और मैन पावर को लाने से पहले भी सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मैन पावर को प्लान करना। तो उसी के साथ हम अपना अगला वीडियो और अपना पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि रहेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम समझेंगे एचआर रिसोर्स को प्लान कैसे किया जाता है। आपको इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में कोई भी सजेशंस हो, फीडबैक हो, तो प्लीज़ हमें बताइए हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे, या कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।